To be honest, he has the most difficult lines, though. Yeah. He has to talk about so much quantum realm stuff. Just stuff. I just have to talk about, yeah, man, that's awesome. This is cool. So mine's easy, but his is all so difficult. Awesome. Strange, we all right? हेलो गाइस, वेलकम टू द एजेंट इंडीज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर 4 की स्टोरी के बारे में, कुछ स्पॉयलर्स के बारे में, जो कि कंफर्म करते हैं टॉम हॉलैंड। तो टॉम हॉलैंड ने अपने इंटरव्यू में कुछ स्पॉयलर दिए जो कि काफी खास और इम्पोर्टेंट थे, और काफी फैंस को एक चीज काफी प्रॉब्लम दे रही थी कि एवेंजर 4 में एक्चुअल में होने क्या वाला है। एवेंजर 4 एक्चुअल में है क्या, टाइम ट्रेवल मूवी है या फिर एक अलग डायमेंशन वाली मूवी है? जैसा कि टाइम ट्रेवल में आप बैक टू द फ्यूचर एग्जांपल ले सकते हो, और डायमेंशन में के लिए द लॉस्ट सिटी का ले सकते हो एग्जांपल। तो ये दोनों एक ऐसी चीज है जो कि काफी कंफ्यूजन कर रही है मार्वल फैंस को कि एक्चुअल में एवेंजर 4 में होने क्या वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि टॉम हॉलैंड ने जो अभी इंटरव्यू में जो भी कुछ बोला था, वो इंटरव्यू एंडमैन से पहले का था। जी हाँ, अब एंडमैन मूवी देखने के बाद सभी को पता है कि क्वांटम रेम वाला सीन डायमेंशन का सीन है। जी हाँ, कि एवेंजर 4 में डायमेंशन का सीन होगा। पर आपको मैं बता दूं, जब एवेंजर 4 की शूटिंग चल रही थी और रीशूट चल रहे थे, तो एंटमैन का कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं था। सब एवेंजर 4 के दीवाने हो रहे थे। तो उसी के दौरान टॉम हॉलैंड भी शूटिंग कर रहे थे, और टॉम हॉलैंड को कहीं ना कहीं स्टोरी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता था कि एक्चुअल में होने क्या वाला है और क्या है स्टोरी का बेस। तो उन्होंने अपने हाल ही में इसी इंटरव्यू में बोला कि क्वांटम रेम इज द बेस्ट, इसमें काफी आपको मजा आने वाला है, फैंस एकदम क्रेजीनेस हो जाएंगे और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो टॉम हॉलैंड ने इस इंटरव्यू में ये बोला जो कि आपने मेरी वीडियो के इंट्रो में देखा। तो फैंस का सबसे बड़ा सवाल एक क्लियर हो जाता है कि एवेंजर 4 में टाइम ट्रेवलिंग नाम की कोई चीज नहीं होगी, और आप जो हाथों में डिवाइस देख रहे थे आयरन मैन के, एंट मैन के, हल्क के पास, कैप्टन के पास, वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि उनकी बॉडी को, या फिर अलग से क्वांटम रेम में जब वो जाएंगे तो उनकी बॉडी को वो कंट्रोल कर सके, और देन काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं। और एंटमैन के पास जो पोस्ट क्रेडिट सीन में जो क्वांटम रेम की जो पावर आ चुकी है, तो वो शायद काफी ज्यादा हेल्प कर सके। और अभी सबसे बड़ा नाम आ रहा है शुरी का, शुरी यानी कि ब्लैक पैंथर की सिस्टर बहन, वो इस चीज में काफी मदद करेगी एंटमैन की, क्योंकि एंटमैन के पास वो पावर है जो कि शुरी के पास या पूरे वकांडा में भी नहीं है। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। और देन अगर बात करें एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग की, तो ये सब जानबूझ के सीन डाले थे सारे एवेंजर्स को मारने के लिए, जिससे कि फैंस का थोड़ा सा भी जो थोड़ा धोखा है या फिर थोड़ा वो निराश हो रहे थे कि क्या होगा क्या होगा, उस चीज को बढ़ाने के लिए इसलिए सारे आधे से ज्यादा एवेंजर मारे गए। पर आप टेंशन में लिए, सब रिटर्न होंगे और ये एक डायमेंशन मूवी होने वाली है अलग अलग रेंज में जाने की, तो काफी इंटरेस्टेड होने वाला है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर ब्लैक पैंथर के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय। जा रहा हूं।